नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। चमोली में जोशीमठ के मुख्य बाजारों में त्योहार के सीजन आते ही जाम की स्थिति पैदा हो रही है। मुख्य बाजारों में लग रहे फड़ की दुकान से ज्यादा जाम की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसको लेकर व्यापार सभा, स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका की तरफ से फड़ लगाने वाले व्यापारियों को चेतावनी दी गई है कि मुख्य बाजारों में फड़ की दुकानें ना लगाएं। जोशीमठ मुख्य बाजार में लगातार बद्रीनाथ धाम की यात्रा बढ़ने के बाद जाम लग रहा है, जिससे यात्री बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। तो चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से मौसम साफ हुआ है, उसके बाद यात्रियों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो सड़कों पर फड़ की दुकानें लगी हुई हैं, उससे काफी ज्यादा जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना यात्रियों को करना पड़ता है। ऐसे में नगर पालिका ने व्यापारियों को साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि यहाँ से दुकानें पीछे की जाए, क्योंकि समस्या लगातार बनी हुई है। पहाड़ों में भारी आपदा से हुए नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार की 7 सदस्य टीम हल्द्वानी पहुंची। टीम ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। टीम ने रामगढ़, बिंदुखत्ता सहित क्षतिग्रस्त गोलापुल का स्थलीय निरीक्षण किया और जिले के अधिकारियों से नुकसान का आंकलन कर विस्तृत रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। वही केंद्र की 7 सदस्य टीम के साथ आपदा प्रबंधन सचिव एस मुर्गेशन भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र की टीम आपदा प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण कर रही है, जिसके बाद आपदा से हुए नुकसान का सही आंकलन किया जाएगा। केंद्र की टीम ने जिले के अधिकारियों के साथ हल्द्वानी सर्किट हाउस में बैठक भी की। तो हल्द्वानी में नुकसान का जायजा लेने केंद्रीय टीम पहुंची है। अधिकारियों के साथ हल्द्वानी सर्किट हाउस में खास बैठक भी रखी गई। देखिए, ये आपदा के बाद है जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट का एक रिक्वेस्ट जाता है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम है, वो है कल से हमारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों को दौरा कर रहे हैं। कल चारधाम रोड को पूरा इन्होंने निरीक्षण किया है और पिथौरागढ़ रात को गए थे, वहाँ विलेज रोड से, नेशनल हाईवे से जो भी डैमेजेस हुआ उसको आंकलन किया है। फिर सुबह से हम लोग रामगढ़ एरिया में भी आकर वहाँ कुछ प्रभावित इलाका था उसको देखा है। फिर अभी आकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नैनीताल की तरफ से पूरा प्रेजेंटेशन उनके सामने किया गया है। उत्तराखंड में 2 दिन पहले हुई लगातार बारिश से तराई क्षेत्र के राइस मिलर्स को लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं राइस मिलर्स ने किसानों के लिए भी खेद जताते हुए कहा कि राइस मिलर्स के साथ साथ किसानों का भी भारी नुकसान हुआ। निचले क्षेत्र में किसानों की फसल अभी भी पानी में डूबी हुई है और खराब हो रही है। आपको बता दें कि राइस मिल्स में खरीदा हुआ धान बारिश में भीगने से सड़ने लगा है। वहीं राइस मिलर्स का कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर दौरा किया, लेकिन राइस मिलर्स की कोई सुध नहीं ली गई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बारिश से राइस मिलर्स को भी लाखों का नुकसान पहुंच रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से धान जो है वो पूरी तरह से भीग गया है और अब सड़ने लगा है। तो ऐसे में जो राइस मिलर्स हैं उन्हें भी लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। धान खराब हो गया, 4-5 क्विंटल धान नीचे एक फीट में पानी भर गया है, ऊपर चट्टों में भी समय कल्ले फूट गए हैं। अब दोबारा से टायर में करना पड़ेगा माल को, लाखों रुपये का नुकसान है व्यापारी का। तो 4-5 दिन से खरीदी बंद है, केवल प्रकाश करो ध्यान रखते हैं, थोड़ा मंडी से धान परचेज किया जा रहा है, बाकी तो सब बंदी कर रहा है। ज़्यादातर सभी मिलों में माल अच्छा खासा नुकसान पहुँचे लोग। देखिए, हमारा जो इस टाइम कच्ची आरती का खरीद पूरे जोरों से चल रही है मंडी से, और हमारे पास पर डे लगभग 1,000-1,200 क्विंटल धान आता है, और 4 दिन लगातार बहुत जोरों से बारिश हुई है, और साथ में पहले दिन तो आंधी भी आई, हवा भी बहुत चली। तिरपालें तो हमने डाली थी, लेकिन सारी तिरपालें एक बार जब हवा आई तो उड़ गई। लेकिन उस दौरान जब बारिश हुई और पानी सारा चट्टों के ऊपर से भी पड़ा, और जब लगातार 4 दिन बहुत मूसलाधार बारिश हुई तो चट्टों के नीचे भी पानी घुस गया। जो बाहर ढेर पड़े हुए थे उन पर तिरपालें डाल रखी थी, वो तिरपालें उड़ गई, उसके ऊपर से भी पानी पड़ गया, नीचे से भी पानी जाने से वो धान लगभग बिल्कुल काला हो चुका है, खराब हो चुका है।
नैनीताल में और उसके आसपास हुए आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने गए नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत ने भी आपदा पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इधर पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि आपदा से व्यापक रूप से जन धन की क्षति हुई है, जो कि बहुत दुखद है। वहीं उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के पास आपदा के दौरान हुई जनहानि के सही आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को आपदा से निपटने के लिए कोई आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया है। तो आपदा पीड़ित परिवारों से मिले रणजीत सिंह रावत और यहाँ पर पीड़ित परिवारों का हालचाल जाना है, साथ ही साथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। उधम सिंह नगर में सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रुद्रपुर में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने आपदा से हुए नुकसान और राहत बचाव को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अजय भट्ट ने अधिकारियों को कहा कि आपदा पीड़ितों को तत्काल राहत के लिए दी जाने वाली राशि पर्याप्त नहीं है, राज्य सरकार इसे जल्द ही किसी अन्य मद से बढ़ाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से मिली मदद को लेकर मंत्री भट्ट ने बताया कि राज्य को हाल ही में केंद्र से 250 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई, उसे आपदा राहत में खर्च करने की मंजूरी दे दी गई है। खराब हुआ है, 10-10 फीट तक मकानों में जल घुस गया, जिसकी वजह से काफ़ी तबाही हुई है, लोगों को घर छोड़ने पड़े हैं, बिजली खराब हो गई, पानी के कनेक्शन खराब हो गए, जो अंदर रखे सामान थे रेफ्रिजरेटर या फिर अन्य चीज़ें बिस्तरा कपड़े सब चले गए, तो दिक्कत में है। उस समय जो हमने 800 में अहेतुक राशि दी है उससे लोगों को नाराजगी रहती है, इतना कम धनराशि क्यों आई, ये अहेतुक राशि ऐसे ही निर्धारित है, बाद में इसमें कभी संशोधन होगा वो अलग नियम है। ये तत्काल प्रभाव से जैसे आटा गीला हो गया, चावल गीले हो गए या फिर आपका गैस खाने को पैसा नहीं है, इस टाइम से बिस्तरा खराब हो गया उसके हिसाब से दी जाती है। लेकिन हम सबको ये विश्वास दिलाते हैं, मेरी माननीय मुख्यमंत्री से ये बात होती है कि ये अहेतुक राशि को हम यथाशीघ्र बढ़ाते हैं, वो चाहे किसी भी संसाधन से बढ़ाएं या कैसे भी दें, या माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से दें अथवा कोई अन्य कोष से दें, लेकिन हम इसको अपने संसाधनों से ही बढ़ाकर लोगों को राहत दे रहे हैं। चमोली के नंद प्रयाग घाट में 22 अक्टूबर को देर रात 3 बजे हुई दुर्घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें आनन फानन में बेस अस्पताल श्रीकोट लाया गया। यहां पहुंचने पर 2 लोगों की हालत गंभीर हो गई, जिन्हें गंभीर अवस्था में एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया। बता दें कि बीती देर रात एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, इस दुर्घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो चमोली का एक पूरा मामला जहां पर दुर्घटना में घायल 2 लोगों की हालत गंभीर हो गई है, जिन्हें एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। उधम सिंह नगर में बिजली विभाग ने 3 दिन बिजली कटौती को लेकर सूचना जारी की है, जिसमें बिजली विभाग की तरफ से पंतनगर में 24 अक्टूबर, रुद्रपुर में 25 अक्टूबर और कीछा में 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहने की सूचना दे दी गई है। बिजली विभाग की तरफ से दीपावली में निर्बोध बिजली आपूर्ति के लिए अनुरक्षण के कार्य को लेकर ये निर्णय लिया गया है। तो उधम सिंह नगर की तस्वीरें आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति ठप रही, जिसकी वजह से खासा दिक्कतों का सामना यहां करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बिजली कटौती को लेकर एक सूचना भी जारी की गई है। दरअसल उधम सिंह नगर में बिजली विभाग ने 3 दिन बिजली कटौती को लेकर एक सूचना जारी की है, जिसमें बिजली विभाग की तरफ से पंतनगर में 24 अक्टूबर, रुद्रपुर में 25 अक्टूबर और कीछा में 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहने की सूचना दी है। बिजली विभाग की तरफ से दीपावली में निर्बोध बिजली आपूर्ति के लिए अनुरक्षण के कार्य को लेकर यह निर्णय लिया गया है, ताकि त्यौहार के समय बिजली कटौती ना हो, बिजली की समस्या ना रहे। तो ऐसे में यह बड़ा फैसला लिया गया है, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप रहेगी, जिसमें 3 दिन का समय ये बताया जा रहा है कि 3 दिन बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप रहने वाली है। तो उधम सिंह नगर में
बिजली विभाग की तरफ से एक सूचना जारी की गई है। रुद्रप्रयाग में विश्वविख्यात केदारनाथ धाम के अंतिम चरण की यात्रा शुरू हो गई है। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने में अब मात्र 13 दिन का समय है। 9 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे। अंतिम चरण की यात्रा में भक्तों का भारी हुजूम उमड़ रहा है। खासकर बाबा केदार की संध्याकालीन आरती में हजारों की संख्या में भक्त भाग ले रहे हैं। स्थिति यह है कि शाम की आरती के समय बाबा केदार का मंदिर परिसर भक्तों से भरा रहता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं रुद्रप्रयाग की, जहां पर केदारनाथ धाम के अंतिम चरण की यात्रा जारी है। ऐसे में बाबा केदार की आरती के दौरान भक्तों की भारी भीड़ यहां देखने के लिए मिलती है। मेरे लास्ट मतलब हेलीकॉप्टर की ड्रॉप थी, उसका वेदर खराब हो गया। मतलब मैं इतना खुश नसीब हूँ, सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि पहली बार महादेव का इतना अच्छे से बुलावा आया है और अभी आरती में दर्शन करके बहुत आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। बहुत अच्छे लगे, मैं हेलीकॉप्टर से ऊपर आया हूँ और अभी आरती तो आरती के समय में आरती दर्शन किया और बहुत अच्छा लग रहा है, पहला बार आया हूँ। प्रदेश में बीते दिनों आई भारी बारिश का प्रकोप लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला। यहां बारिश ने कई घरों को बर्बाद कर दिया और दर्जनों किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई। इसी बारिश से उफनाई लालकुआ की गोला नदी के तेज बहाव में आधा दर्जन परिवारों के घर नदी में समा गए, जिनकी मदद को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के पहुंचने का दौर जारी है। इसी के चलते सूबे के कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के बिंदु खत्ता स्थित इंदिरा नगर द्वितीय पहुंचकर आपदा पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। देखिए, सबसे पहले जो हमारा ये पानी का जो रुख हुआ गांव की तरफ, इसको डाइवर्जन करने की बात है। इस पानी को विपरीत दिशा में कैसे लेके जाया जा सकता है, उसके लिए हमने आदेश दिए हैं कि इस पानी को डाइवर्जन किया जाए ताकि गांव के लोग सुरक्षित रह सके। अभी यहां के जो हमारे DFO हैं वो हमारे साथ हैं, कल 10 बजे से यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा पोपलैंड के द्वारा, JCP के द्वारा, ताकि पानी का जो बाव गांव की तरह उसको विपरीत दिशा में ले जाया जा सके, जिससे गांव सुरक्षित रह सके और 3-4 मकान आपदा में समाप्त हो गए हैं बिल्कुल। वो अभी हमारा जो सेंचुरी पेपर मिल है उसके अधिकारियों से मेरी बात हुई है, वो फैब्रिकेट मकान बनाने के लिए तैयार है, राजी हो चुके हैं। एक मकान लगभग 3.5-4 लाख में बनेगा, जमीन मिलने के तत्काल बाद हम उस पर काम शुरू कर देंगे। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों का अस्थि कलश हरिद्वार पहुंचा, जहां पर संयुक्त भारतीय किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं और परिजनों की तरफ से हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में अस्थि विसर्जन किया गया। आप बता दें कि कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों की उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गाड़ी के नीचे कुचलने से मौत हो गई थी। लखीमपुर में जो हमारे शहीद हुए तो उनके फूल हैं और वहाँ जो उसके मंत्री के बेटे ने जो उन किसानों को जो कुचला था तो उनके फूल हैं। और 23 तारीख रखी थी उत्तराखंड में आपदा आएगी तो एक दूसरा भी होगा, मतलब कार्यक्रम, चूँकि हरिद्वार गई हैं खाली, सब पूरे उत्तराखंड में गई, सारे प्रदेश में, जिस देश में गई तो वो दोबारा होगा और ये बहुत दर्दनाक घटना। तो उनके फूलों और सरकार ने जो ये पूरा जो किसानों को, हाँ नहीं घटना क्या, सरकार का तो मना गुंडागर्दी, सरकार का क्या, सरकार का तो ये कि 4 उद्योगपति बढ़ाने, बाकी सारा देश बेचना, या न किसी हिंदू की ना किसी मुसलमान की, तो माफिया होगी सरकार। ये तो मुँह गए मोदी मोदी है, सिकंदरों की सरकार है, तो बताओ सारा देश बेच दिया, सारे धन प्रतिष्ठान बचा गया देश के अंदर, सारा युवा बेच और जा रहा है, युवा सारा नशे पर लग जाएगा, इस तरह जो पढ़ लिख के बावड़े हो क्या करेंगे, नशा ही तो करेंगे फिर। तो बहुत ऐसी सरकार तो देखी नहीं आज सरकार के बारे में तो मामला, और किसानों की जमीन भी सारी, सब उद्योग को 4 उद्योगपति बनाने वहाँ, पाँचों को ये लोकल के दुकानदार, ये छोटे मोटे कुछ नहीं, किसान मजदूर ये सब खत्म, ये आप देख लो इनके क्या रिजल्ट होंगे। ये जो हमारे लखीमपुर खीरी में जो हमारे 4 किसान और एक पत्रकार बंधु शहीद हुए थे, जो मंत्री के बेटे ने और मंत्री ने साजिश के तहत शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी थी, उसमें 4 किसान और एक पत्रकार भाई हमारे शहीद हुए थे, उनकी अस्थियां पूरे देश में हर प्रदेश के हर जिले में गई। तो ये हमारा भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन शहीदों की अस्थियां हरिद्वार जिले में भी आई। हमने 2 दिन तक पूरी कलश यात्रा पूरे जनपद में उनकी घुमाई अस्थि कलश यात्रा, और आज पूरी अरदास करी गई, पूजा पाठ करे गए, पूरे विधि विधान के साथ उनकी अस्थियों को यहाँ विसर्जित कर दिया गया।
रुड़की के रहमतपुर गांव में चकबंदी विभाग का एक और बड़ा घोटाला सामने आया, जिसमें चकबंदी अधिकारियों ने भू माफियाओं के साथ मिलकर पूरे 7 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, वो भी सिर्फ 7 दिनों में। वहीं एक समाजसेवी की तरफ से मामला उजागर करने के बाद अब भू माफिया सहित चकबंदी अधिकारियों में हड़कंप भी मचा हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।